जब दुनिया भर में कल्चर क्लैशेस बढ़ रहे हैं और अपने कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए सब डोमिनेंस दिखाए जा रहे हैं, तो ये प्रासंगिक हो जाता है कि हम कल्चर और सभ्यता की अवधारणाओं को समझें। जब दुनिया भर में कल्चर को लेकर इतनी डिस्कशंस हो रही हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कल्चर क्लैशेस क्या हैं। ठीक है, जब पुराने समय में कहीं जहाँ शूद्र और ब्राह्मणों का कल्चर हुआ करता था, या किसी ज़माने में अमेरिका में दास प्रथा का जो स्लेवरी सिस्टम का कल्चर हुआ करता था, यही कल्चरल डिफरेंसेस है। जब एक समाज ये बोलता है कि ये गलत है, दूसरा समाज बोलता है ये गलत है, और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरी संस्कृति की जो कमियां हैं उनको उजागर करने के कारण और उनकी अच्छाइयों को ना देखने के कारण जो कल्चर क्लैशेस बढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक है। और कल्चरल क्लैशेस कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कल्चरल क्लैशेस हुए हैं, लेकिन इस वैश्विक दुनिया में कल्चरल क्लैशेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और चूंकि जब विभिन्न संस्कृतियां आपस में एक दूसरे मेलजोल रख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो संस्कृति का फैलाव भी हो रहा है। संस्कृति लोग दूसरे संस्कृति से लोग साक्षात्कार भी कर रहे हैं, लेकिन कल्चरल क्लैशेस भी बढ़ रहे हैं, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। तो तब ये और प्रासंगिक हो जाता है कि कल्चर एक्चुअली है क्या। जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश नागर आपका स्वागत करता हूँ द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सभ्यता और संस्कृति की अवधारणाएं, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सभ्यताएं और संस्कृति होती क्या है, इससे पहले हम पहला टॉपिक कवर करेंगे संस्कृति, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं मेंशन करने के लिए कि जो कल्चर और सिविलाइजेशन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर सेकेंड पार्ट बी यूनिट 4, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस पर। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संस्कृति क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। वेल, देखिए, मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास संस्कृति ही दिलाती है, क्योंकि जो उसकी एथिकल वैल्यूज रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो ह्यूमनिटी के लिए धरोहर हैं। जब हम आगे बात करें कि अगर मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ली जाए ना, तो वो मात्र पशु के समान ही रह जाएगा। संस्कृति मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है, ठीक है। और संस्कृति जो है पीढ़ी दर मनुष्य से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की ओर हस्तांतरित होती रहती है और उसे प्रगति की ओर उन्मुख करती रहती है। यदि मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए, तो जो कुछ बचेगा वो बहुत निम्नतम कोटि का होगा, ठीक है। मानव और पशु में यही तो एक अंतर है संस्कृति का। और फिर संस्कृति के आधार पर ही हम एक व्यक्ति को, एक समूह को, एक समुदाय को दूसरे व्यक्ति समुदाय से अलग करते हैं। एक समाज और दूसरे समाज की संस्कृति में विशिष्ट अंतर रहता है, जिसके कारण उसकी एक पहचान रहती है, ठीक है। मनुष्य ने संस्कृति के जो नए आयाम रचे हैं, बहुत अव्वल दर्जे के हैं, ऊँचे हैं। दुनिया में कोई सा सामाजिक प्राणी मनुष्य के बराबर जो सामाजिक और संस्कृति है उसका एनवायरनमेंट नहीं बना सका है। मनुष्य ने अपने शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण किया है, और भौतिक क्षेत्र में अनेक वस्तुओं, आविष्कारों का निर्माण किया है। वहीं अभौतिक दुनिया में अनेक विश्वासों, परंपराओं और व्यवहारों को जन्म दिया है, ठीक है। तो यही हम आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृति एक्चुअली है क्या, व्हाट इज कल्चर, ठीक है। संस्कृति क्या है, मैं कहूंगा ये कुछ नहीं, बस किसी देश और समाज के विश्वास, विचारधाराएं और परंपराएं हैं, ठीक है। जो बिलीव्स हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं और जो कस्टम्स हैं, उनकी बात हो रही है। और मैं अगर इनको और बढ़ाना चाहूं तो दीज आर नथिंग बट अचीवमेंट्स ऑफ व्हाट, अचीवमेंट्स लाइक स्पिरिचुअल, ठीक है, प्लस आपका इंटेलेक्चुअल, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल जो उपलब्धि है, उन्हीं को इन्होंने संस्कृति कहा है। तो संस्कृति हम मोटा मोटा आइडिया यहां से ले लेंगे, जो कि आपका एग्जाम बोलता है 3 मार्कर्स में, आपको यू हैव टू राइट विद इन 100 और इक्वल टू 100 वर्ड्स, तो यू कैन राइट दिस, ठीक है। तो संस्कृति ये हो गई। फिर जब हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति ये है, तो संस्कृति की उत्पत्ति एक्चुअली संस्कृत शब्द से हुई है। उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी, संस्कृत शब्द से हुई है, ठीक है। मतलब सुसंस्कृत, एक अच्छा काम करना, और संस्कृत से ही संस्कृति बनी हुई है, ठीक है।
संस्कृति की विस्तार पूर्वक परिभाषा में कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा। एक तो हम देख चुके हैं क्या कि संस्कृति जो है नैतिक, बौद्धिक और जो है इंटेलेक्चुअल, वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। और हमने ये भी देखा था कि संस्कृति जो है आपकी प्रथाओं, विश्वासों, व्यवहारों का समूह है जो किसी पर्टिकुलर समाज की संस्कृति को इंगित करता है। ये तो हम लिख सकते हैं 10 शब्द में, उससे भी कम शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप कुछ और चीजें भी इसमें देख लें। वो चीजें क्या है, जैसे कि जो संस्कृति है वो है ह्यूमन एनवायरमेंट, मानव द्वारा क्रियत कैसा पर्यावरण है जिसमें मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। और संस्कृति जो है एक्चुअली जो भौतिक और आपके जो बौद्धिक साधन या उपकरण है उन्हीं के माध्यम से वो अपनी शारीरिक और बौद्धिक आवश्यकता, शारीरिक यानी प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मोरल लेस अगर मैं इसका भी नट एंड शेल करना चाहूँ, मतलब इन कंक्लूड, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर क्या है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, दैट इज वाई इट इज सेपरेट फ्रॉम अदर कल्चर। इसलिए एक संस्कृति का व्यक्ति दूसरी संस्कृति से अलग रहता है। चलो अब ये बात कर लेते हैं हम कि क्यों व्यक्ति संस्कृति का निर्माण कर सका है, मतलब व्हाट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग विद ह्यूमन बीइंग दैट ही कुड क्रिएटेड कल्चर नॉट एल्स एनिमल और अदर प्राणी स्पीसीज क्यों नहीं कर सका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही गॉट ब्रेन। क्यों कर पाया, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है, ठीक है। ही कैन थिंक, ही कैन ऑब्जर्व, ही कैन एनालाइज, नन अदर स्पीसीज हैव सच ग्रेट माइंड। कोई अदर स्पीसीज के पास इतना तेज तर्रार दिमाग नहीं है। मोर ओवर ही गॉट हिज फ्री हैंड, और भी लोग, और भी जानवर हैं, और भी स्पीसीज, उनके पास भी फ्री हैंड है, बट इनके पास जो फ्री हैंड है वो उसको 360 डिग्री तक मूव, थोड़ा कम कर लीजिए डिग्री, लेकिन बहुत हद तक मूव कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही उसकी गर्दन भी दाएं बाएं लेफ्ट हो सकती है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, ही गॉट शार्प आई। आंखों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आंखों से वो देखता है और समझता है, चीजों को अवलोकन करता है, ठीक है। ये सब चीजें एक साथ सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही मिली है। और मैं ये कहूंगा अर्थ पर ह्यूमन बीइंग से ज्यादा स्मार्टेस्ट प्राणी स्पीसीज कोई नहीं है, अनलेस आप एलियन को जानते हो, ठीक है। और देखा नहीं तो हम कह भी नहीं सकते वो डफर है या स्मार्ट है, हमसे कुछ नहीं कह सकते। तो मानव संस्कृति को क्यों ही बना पाया ये भी हम देख चुके हैं। देन स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, व्हाट आर दी विशेषताएं ऑफ कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम मैन मेड, ये मानव निर्मित कल्चर है। जो मानव निर्मित कल्चर है इसमें मनुष्य की शारीरिक यानी फिजिकल एंड मानसिक यानी जो उसकी मेंटल, ठीक है, जो मजबूती है, जो उसके फीचर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के कारण ही वो नए नए इन्वेंशन किए हैं, नए नए इन्वेंशन डिस्कवरीज की हैं, ठीक है। इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क बना पाया है और उस पर चलने के लिए व्हीकल बना पाया है। डिस्कवरी पेनिसिलिन की खोज कर ली भैया, पोलियो की टीके की खोज कर ली, ठीक है। व्यवहार करने के लिए भाषा का इजाद कर लिया, ठीक है, भाषा का इजाद कर लिया, और अब इमोजी का आविष्कार कर लिया। और भी मतलब देखें, मुझे तो लगता है कि हम जिस बिहेवियर से शुरू हुए थे सिग्नल बताकर, उसी वे पर आज हम वापस आ गए हैं इमोजी के रूप में। देन है आपका इट इज लर्न बिहेवियर, संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति किसी को जन्म के साथ नहीं मिलती, किसी के डीएनए में नहीं मिलती, ये सीखा हुआ व्यवहार है। किसी को जन्म के साथ संस्कृति नहीं मिल जाती, इसे सीखते हैं। समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, ये क्या है, ये एक समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन की एक प्रक्रिया जिसमें समूह में, समाज में, समुदाय में, राष्ट्र के अंदर वो उस संस्कृति को सीखता है, उसी संस्कृति में पलता है, बढ़ता है, समझता है, सीखता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेबल, हस्तांतरणीय। भैया देखो, कोई भी संस्कृति है वो क्या है, अपने पूर्वज से प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें हम देख, पिछली वाली विशेषता में हम क्या देख चुके हैं कि संस्कृति जो है वो सीखी जाती है। तो ऑफकोर्स सीखी जाती है तो कोई सिखाने वाला होगा, आपके माँ बाप, पिताजी और आपके समाज के जो लोग हैं, जो एल्डर पीपल हैं, वही तो आपको सिखाएंगे। और हर एक संस्कृति के पास प्राचीन ज्ञान का भंडार रहता है जो वो ट्रांसफर करते हैं अपनी फर्दर जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को। और आने वाले जनरेशन उसमें कुछ अपने अनुभव जोड़ती है, अपने
अपना मिक्सअप करती है, अपना असिमिलेशन करती है, और उसके बाद हर बार संस्कृति को एनरिच करती है और आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका इनहेरेंट सोशल मेरिट्स। संस्कृति इज नॉट समथिंग विच इज थिंग ऑफ 10 पीपल और 100 पीपल और 1000 पीपल। ये समूह की संस्कृति, ये समाज की संस्कृति है। ठीक है, तो ये जो है आपका बिना समाज के कल्चर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ये चंद लोगों की बात नहीं है, समाज की बात है। बिना समाज के कोई संस्कृति एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इट रिक्वायर्ड सोसाइटी। देन आइडियल फॉर ग्रुप्स। ठीक है, हर एक संस्कृति अपने समूह के लिए आदर्श रहती है। वो इतनी आदर्श रहती है कि अपनी संस्कृति को हमेशा श्रेष्ठ मानता है, और कभी कभी श्रेष्ठ मानता है तो इसमें वो दूसरी संस्कृति की जो मेरिट्स हैं उसको भी इग्नोर कर देता है, विच कैन बी कॉज फॉर कल्चरल क्लैशेस। जो धार्मिक दंगे फसाद कल्चरल क्लैशेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी का कारण है कि जो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने की जो प्रवृत्ति है, आदर्श मानने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, उसके कारण वो दूसरी संस्कृति के मेरिट्स को भूल जाता है। ठीक है, तो यही है आपका हर एक समूह के में जो व्यक्ति रहता है उसके लिए अपनी संस्कृति एक आदर्श रहती है। देन यूनिक कल्चर ऑफ ईच। ठीक है, हर एक संस्कृति का यूनिक कल्चर है। देखिए, हर एक समाज की जो आपका सामाजिक और भौतिक दशाएं हैं, भौतिक और भौगोलिक दशाएं एक जैसी नहीं है। ठीक है, अगर राजस्थान में पानी कम है तो वहां पर जो कल्चर है वो अलग डेवलप्ड होगा। ठीक है, अगर कहीं पानी की संपन्नता है तो वहाँ कल्चर अलग डेवलप होगा। ठीक है, तो आपकी भौतिक और भौतिक और जो सामाजिक ज़रूरत है वो अलग अलग है, इसके कारण कल्चर भी अलग अलग डेवलप होता है। देखिए, अगर कहीं भौतिक दुर्गम दशाएं एक्सट्रीम है तो वहाँ पर, जैसे कहीं तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ पर अधिकतर कम कपड़े पहनते होंगे लोग, या फिर कहाँ पर रेतीला क्षेत्र है वहाँ पर चेहरे पर स्कार्फ बांधते होंगे लोग, ठीक है, पर्दा लगाते होंगे। तो अलग अलग कल्चर अलग अलग जगह है, कहीं पर ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर खूब मोटे कपड़े पहनते होंगे। तो कल्चर का डेवलपमेंट का जो कारण है कहीं ना कहीं भौगोलिक कारण भी एक है। देन है आपका सेटिस्फाइड ह्यूमन डिजायर नीड्स। संस्कृति क्या करती है, हर एक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, विवाह संस्था, हमने समाज का हिस्सा ना विवाह संस्था, तो इससे तो है नहीं कि इससे पहले प्राणी जो अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करते थे, तब भी करते थे, लेकिन हमने क्या बनाया, विवाह। ठीक है, विवाह बनाया कि इंस्टीट्यूशन, उसको एथिकल वैल्यूज जोड़ दिए उसके साथ, उसको संस्कार का नाम दे दिया। ठीक है, और फिर उससे ही बढ़कर हमने जो है हमने क्या बनाया, हमने प्रेम। जाहिर है ईश्वर ने तो नहीं दिया ना प्रेम, इट्स ए टोटल ह्यूमन क्रिएशन। देखो, हमें सिर्फ ह्यूमन डिज़ायर दी गई थी भगवान ने। ठीक है, हमें सिर्फ ह्यूमन डिज़ायर दी थी, जो प्रेम है शुद्ध रूप से ह्यूमन ने बनाया है, ये मानव की कृति है और मानव इस पर गर्व कर सकता है। जो इमोशन प्रेम के साथ जुड़े हैं वो कहीं और किसी और प्राणी में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन क्रिएशन है, सब मानव ने बनाए हैं। फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट है आपका इधर इस पर अडेप्टिंग नेचर। ठीक है, संस्कृति में अडेप्ट करने की क्षमता बहुत जल्दी होती है। ठीक है, अगर समझ लो कोई क्रांति हो जाए, किसको पता था कि लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपके पिताजी भी जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता फेसबुक चलाने लग जाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप चलाने लग जाएंगे। तो संस्कृति में अडेप्ट करने की क्षमता रहती है। अगर कहीं कोई बड़ा डिजास्टर आ जाए, ठीक है, या पानी की कमी हो जाए, तो लोग ना पानी को प्रिजर्व करने, कंजर्वेशन की एक नया कल्चर ही डेवलप्ड कर लेंगे। तो संस्कृति में जो है वो आपका अनुकूलन करने की क्षमता रहती है। अगर कोई बात ऑपोजिट हो जाती है तो वो अपने आप ही समाज की जो परंपरा है व्यवहार से बाहर चली जाती है। जैसे कि अभी जो COVID-19 वाली स्थिति है, तो लोगों ने ये जो फ्रेंच तरीका इधर इस गाल पर वो करते हैं, वो तरीका हट गया। दूसरा हगिंग का जो तरीका है वो बदल गया। तो और अब जो कल्चर अपनाया है लोगों ने, वो नमस्कार नमस्ते वाला कल्चर अपनाया है। तो वो जो कल्चर है, हमेशा कल्चर में अडेप्टेबिलिटी, और मुझे नहीं पता ये कब तक रहेगा, लेकिन जो भी है इसका अच्छा इम्पैक्ट गया है। ठीक है, कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, तो समय के साथ कल्चर में अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। मास्क कोई नहीं पहनता था, एवरी डे मैन इज गोइंग आउट विद मास्क, हर कोई व्यक्ति जा रहा है मास्क साथ। ठीक है, ज़रूरत है चाहे ना है, लेकिन कल्चर डेवलप्ड हो चुका है ऐसा।
तो कल्चर में इट्स टेंड टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स देन कॉन्ट्रीब्यूशन इन पर्सनैलिटी मेकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. हर व्यक्ति का क्या कहते हैं जो पर्सनैलिटी मेकिंग है उसमें उसकी संस्कृति का योगदान रहता है. जैसे भारत में हम नमस्कार करते हैं तो उधर पाकिस्तान में इर्शाद करते हैं, तो जापान में वो इस तरीके से उनको ग्रीटिंग करते हैं, ठीक है. और फ्रेंच का तो बता ही चुका हूँ, इस तरफ और इस तरफ जो नया कल्चर पनपा है बॉलीवुड में भी. तो कहने का मतलब ये कि हर एक जो कल्चर है वो अपने जिस समाज में व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति उस कल्चर को सीखता है, उसके व्यवहार पर पूरी की पूरी छाप पड़ती है उस कल्चर की, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर और दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. आई एम कंक्लूडिंग हियर. सी यू अगेन. थैंक यू.